I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हो सब गाइज, आई होप सब ठीक होए गाइज। तो गाइज जैसा आप लोगों को पता है, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसके अंदर पूछा था कि आपको कौन से सर्वर का पहले टूर चाहिए, इंडोनेशियन सर्वर या ब्राज़ील सर्वर। तो इंडोनेशियन सर्वर को आप लोग ने जिता दिया था। जैसा आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर एक नई सीरीज शुरू हुई है जिसके अंदर हम सर्वर्स का टूर करेंगे वर्ल्ड में जितने सर्वर्स हैं, और देखेंगे कौन सा सर्वर इंडिया सर्वर से अच्छा है और कौन सा सर्वर इंडिया सर्वर से बुरा है, हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है ये भी हम देखेंगे। ठीक है गाइज, सारे एनिवर्सरी इवेंट सब जगह चल रहा है, पर इंडिया में कौन सा एनिवर्सरी इवेंट आएगा कौन सा नहीं आएगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा गाइस। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो गाइस, वीडियो को लाइक करना। और रही बात टूर्नामेंट कब होगा, तो गाइस टूर्नामेंट का डेट मैंने फिक्स कर दिया 25 तारीख को। 22 तारीख को आएगा हमारा एनिवर्सरी इवेंट, उसके बाद 25 तारीख को आपको मिल जाएगा टूर्नामेंट। ठीक है, तो टूर्नामेंट खेलना ना भूले गाइस। पूरी इन्फॉर्मेशन की वीडियो जल्दी आ जाएगी चैनल पे, तब तक के लिए डेट मैंने बता दिया 25 तारीख को। और बाकी वीडियो एंजॉय करो, पहली इंडोनेशियन सर्वर की आईडी को हम पूरी देखेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस है इसके अंदर हमारे सर्वर के मुकाबले। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप इवेंट का सेक्शन खोलोगे गाइस, तो सबसे पहले आपको मिलेगा लेवल अप पास इवेंट, जो एक तरह का डबल डायमंड इवेंट है जो हमारे सर्वर पे पहले ही आ चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये इवेंट हमारे सर्वर पे आ चुका है, अभी सर्वर पे दिया जा रहा है डबल डायमंड इवेंट, तो इस सर्वर के बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारे सर्वर पे पहले ही आ चुका है गाइस। तो गाइस सेकेंड इवेंट जो देखने को मिल रही है इंडोनेशिया में, वो है ये बैलेंसिंग इवेंट यानी कि फ्लैशिंग स्पेड इवेंट। हमारे यहाँ पे दो बंडल थे, यहाँ पे एक ही बंडल आया है और यहाँ पे काफ़ी सस्ते में आया गाइस। देख सकते हो यहाँ पे अगर हम खोलते हैं इवेंट को, तो यहाँ पे आपको बस तीन आइटम्स लेने हैं जो इतने सस्ते पड़ रहे हैं मेरे को 83 डिस्काउंट पे। आप तीन आइटम लोगे तो आपको वो बंडल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, फिर आप उसको खरीद सकते हो। जैसे कि मिस्ट्री शॉप में आया था सेम टू सेम वही है गाइस, आपको बस यहाँ पे से सामान खरीदने और 34 डायमंड्स पूरे करने गाइस, और उसके बाद वो बंडल खुलेगा, आप उसको ले सकते हो गाइस। अगर आपको ये प्राइस पूल पसंद नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हो 10 डायमंड के साथ। ठीक है, तो गाइस ये सेम टू सेम मिस्ट्री शॉप टाइप है, तो ये हमारे यहाँ पे मिस्ट्री शॉप की तरह आ चुका है। यहाँ पे चेंजेस आए हैं और यहाँ पे काफ़ी सस्ते में ये बंडल निकल जाएगा गाइस आपका। ठीक है, लेकिन हमारे सर्वर में 1000-2000 डायमंड लग रहे थे बैलेंस करने के चक्कर में। तो गाइस देख लिया ये इवेंट यहाँ पे कितने सस्ते में आया है। तो गाइज अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इलाइट पास, जो कोई बताने वाली चीज नहीं है, हमारे पास भी आ रखी है तो इसमें क्या बताएं, कुछ नहीं बताना है। तो चलते हैं आगे, तो यहाँ पे देख सकते हो मोको स्टोर आया हुआ है गाइज, यहाँ पे मोको स्टोर आ चुका है। और जब भी इंडोनेशियन सर्वर में मोको स्टोर आता है तो हमारे सर्वर पे मोको स्टोर जरूर आता है गाइज, कुछ दिन बाद आता है पर आ जाता है गाइज। तो ये मोको स्टोर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा हमारे सर्वर्स पे। और देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, वाइट शैडो बंडल दिया जा रहा है गाइज, सबसे बड़ा प्राइस, और द स्वैन नाम का एक इमोट दिया जा रहा है जो हमारे सर्वर पे नहीं आया गाइज। 9 डायमंड्स हैं यहाँ पे शुरू है, बाकी फालतू चीजें हैं तो यहाँ पे दिखाने लायक नहीं है, पर वो बंडल बहुत सुंदर है गाइज, दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो गाइज ये वाला बंडल आपको देखने को मिलेगा। और गाइज ये तो हमारे सर्वर्स पे भी दिया जा रहा है, क्लैश स्क्वाड खेलोगे गोल्ड ट्री पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा गाइज। बाकी ये देख लो, ये जो पेरेंग की स्किन है मर्चाइट अंडरवर्ल्ड क्रूल, ये हमारे यहाँ पे 300 डायमंड के टॉपअप पे मिल रहा है, इनके यहाँ पे 100 डायमंड के टॉपअप पे दिया जा रहा है गाइज, तो कितना ना इंसाफ देख लो। बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं गाइज, तो यहाँ पे आपको मिलेगा गिल्ड ज्वाइन करने पे एक पैराशूट और 100 गोल्ड, तो यार ये भी यहाँ पे ना इंसाफी हो रहा है, पैराशूट हमारे यहाँ पे नहीं दिया जाता है गाइज, यहाँ पे इतनी सुंदर पैराशूट दी जा रही है गाइज। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं टॉपअप इवेंट की तरफ गाइज, तो देख सकते हो वुल्फ्रो कैरेक्टर दिया जा रहा है इनके यहाँ पे टॉपअप करने पे, वो भी सिर्फ 70 डायमंड के टॉपअप पे आपको वुल्फ्रो कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, बुढ़ा जोसेफ, और वो भी 100 डायमंड या 150 डायमंड के टॉपअप पे। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी काफ़ी अच्छी सी। अब हम थर्ड एनिवर्सरी के इवेंट्स में चलते हैं गाइज, जहाँ पे आपको मिलेंगे थर्ड एनिवर्सरी पे क्या क्या दिया जा रहा है दिखाएंगे आपको गाइज। ठीक है, तो गाइज हम आ चुके हैं इसमें और देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनी है, एक कैरेक्टर का मतलब एक पूरा बंडल बना हुआ है, कपिला बनी है, उल्फ्रा बना है, पूरा ग्रेनेड की स्किन है, गन की स्किन है, मैजिक का फ्रेग्रेंट है, अवेकन शार्ड है, और पता नहीं क्या क्या है गाइज, ये सब आपको दिया जाएगा। देख सकते हो पूरा एक कैलेंडर बना रखा है यहाँ पे गैरिना ने, यहाँ पे इनके यहाँ पे मतलब इनके सर्वर में, इंडोनेशियन सर्वर में। तो देख सकते हो यहाँ पे पहले हम अगर हम देखना शुरू करें, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 23 से 24 तारीख के लॉगिन पे आपको यहाँ पे देख सकते हो एक पूरा बैनर मिल रहा है गाइज, देख सकते हो क्या मस्त बैनर है, ओपी बैनर आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख सकते हो पूरा एक बैनर दिया जा रहा है। वहीं पर गाइज आप जैसे ही 25 तारीख को लॉगिन मारोगे या फ्रेंड्स के साथ खेलोगे तो आपको एक लूट बॉक्स की स्किन मिल जाएगी, और अगर आप 30 तारीख को ऑनलाइन आओगे तो आपको एक मास्क दे दिया जाएगा जो एक बर्ड के टाइप का दिख रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पे स्क्रीन पे। बाकी आपको यहाँ पे नॉर्मल कैप्सूल, टाइम कैप्सूल दिख रहा है, जो हमारे यहाँ पे इवेंट आ चुका है उसके अंदर आपको ये बंडल देखने को मिल जाएगा। ये बंडल हमारे यहाँ पे भी दिया जा रहा है, पर इनके यहाँ पे टेम्प्ररी भी दिया जा रहा है, हमारे यहाँ पे टेम्प्ररी नहीं दिया जा रहा है गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी, बने रहो वीडियो में। यहाँ पे आप अगर आप आते हो अल्ट्रा टाइम कैप्सूल में, तो आपको ये जो है मास्क की स्किन मिलेगी और एक सरबोर्ड मिलेगा जो
जो हमारे यहाँ पे भी दिया जा रहा है, तो इसमें नई बात नहीं है गाइस। और अगर 22 तारीख को यहाँ पे 22 तारीख को हमारे यहाँ पे मैजिक क्यू फ्रेग्रेंट के ड्रॉप होने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को बता दूँ हमारे यहाँ पे भी ये होने वाला है, आपको 50 मैजिक के फ्रेग्रेंट तक देखने को मिल जाएंगे गेम खेलने पे गाइस। और यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दिया जाएगा 22 अगस्त को, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो 18 या 20 कैरेक्टर में से, और एक अवेकन शार्ट दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। देख सकते हो गाइस अभी तो टेम्प्रेरी दिया जा रहा है, पर आप यहाँ पे 22 तारीख को लॉगिन करके यहाँ से एक कैरेक्टर और एक शार्ट ले सकते हो गाइस। लॉगिन करके देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इनमें से लेना हो तो वोकोंग ले लेना जिनके पास वोकोंग नहीं है, क्योंकि वोकोंग आजकल बहुत चल रहा है गाइस, तो वोकोंग ले लेना जिनके पास वोकोंग नहीं है गाइस, ठीक है। बाकी हम चलते हैं वापस वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस देख सकते हो हम वापस आ चुके हैं इस इवेंट में, और देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा हयाटो है, हयाटो फायर ब्रांड, वो भी गाइस 19 अगस्त को आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा गाइस इंडोनेशियन सर्वर के हिसाब से, तो हमारे सर्वर में भी उस टाइम आएगा 22 अगस्त। तो गाइस आपको 3 गुना ज़्यादा गोल्ड मिलेगा गेम खेलने पे, 3 गुना स्पीड से आपका लेवल अप होगा गाइस, और उससे जल्दी जल्दी आपको फ्रेग्रेंट से मिलेंगे कैरेक्टर से गाइस। तो खेलना ना भूले 22 तारीख को, देख लो गाइस हमारे सर्वर पे भी ये सब होने वाला है। और अगर आप 22 तारीख को देखोगे तो आपको क्लैश स्क्वाड के जो 2 मैप है, 2 मैप देखने को मिल जाएंगे। अभी 1 मैप आया है, आपको उस दिन 2 मैप देखने को मिलेंगे गेम के अंदर। और अभी देख सकते हो 1 मैप खुला हुआ है यहाँ पे बारामूदा रीमास्टर्ड करके, और उस दिन आपको 2 मैप देखने को मिल जाएंगे गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 मैप बने हुए हैं। तो गाइस 22 तारीख को देखना जरूर है कि क्या मैप होते हैं, ठीक है गाइस। अब जो आपको मैं सबसे मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ गाइस, वो यहाँ पे ध्यान दो वीडियो में, ठीक है गाइस। आपको 18 से लेके 30 अगस्त तक आपको वेव इवेंट देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। हमारे सर्वर में भी आया हुआ है लेकिन ये खुल नहीं रहा है इवेंट, तो इस इवेंट में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। तो ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेव इवेंट के अंदर गाइस आपको देखने को मिल जाएगा गाइस गन की स्किन, देख सकते हैं यहाँ पे गन की स्किन बनी है, गन की स्किन, ग्रेनेड की स्किन और सरबोट की स्किन गाइस, गन की स्किन, ग्रेनेड की स्किन और सरबोट की स्किन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अलग टाइप की ग्रेनेड और सरबोट की स्किन है, हमारे यहाँ पे अलग हो सकती है पर होगी जरूर गाइस, तो देखना ना भूले, ठीक है। और गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको 23 से लेके 30 तारीख तक अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे, अगर 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो गाइस, तो आपको पेंगुइन दिया जा रहा है गाइस, देख सकते हो पेंगुइन और उसकी एक इमोट दी जा रही है। पेंगुइन एक ऐसा कैरेक्टर है जो ग्लूवाल बनाता है खुद से, ठीक है, हर 20 सेकंड या 25 सेकंड पे ग्लूवाल आपको निकाल के देगा, तो ये यहाँ पे दिया जा रहा है फ्रेंड के साथ खेलने पे। तो गाइज हमारे सर्वर पे भी आएगा, ठीक है, तो गेम खेलना ना भूले 22 से लेके 30 तारीख तक, तो आप गेम खेलते हो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, तो पेंगुइन और उसकी स्किन दे दी जाएगी आपको परमानेंट गाइज, ठीक है, तो खेलना ना भूले गाइज, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे इवेंट की ओर। तो गाइज मिलो एक और ओपी इवेंट से जो इंडोनेशिया में चल रहा है, जिसका नाम है बुइया मेडिका, बुइया मेडिका चल रहा है गाइज यहाँ पे, जहाँ पे 17 तारीख को हर चीज़ दिया जा रहा है। 17 तारीख को आप डेली मिशन खेलोगे तो आपको गन की क्रेट दी जा रही है, सरबोट की स्किन दी जा रही है, 250 यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस दिए जा रहे हैं, और उसके बाद रोज एक ये जो टोकन है ड्रॉप हो रहा है गाइज गेम खेलने के बाद, ठीक है। आप यहाँ पे गैलेक्सी A71 जीतने का मौका है गाइज इंडोनेशिया के लोगों के पास, देख सकते हो हमारे पास तो नहीं आया ये इवेंट। और आपको 17 तारीख को गेम खेलने पे 10 वेपन रॉयल वाउचर और 7 इंक्यूबेटर वाउचर्स दिए जा रहे हैं गाइस इस यहाँ पे इस सर्वर पे, हमारे सर्वर पे तो आएगा नहीं, हमारा सर्वर तो चूतिया एक नंबर का है ना। और देख सकते हो यहाँ पे गीजा यूएमपी की स्किन दी जा रही है, मैं आपको इवेंट दिखाता हूँ गाइस, और देख सकते हो ये रही वो इवेंट, यहाँ पे ये टोकन गेम खेलने के बाद ड्रॉप किया जा रहा है। और देख सकते हो ये गमछी, गमछी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इंडिया में, पर ये यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे है रेड कैलियस नाम है गाइस, और ये यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो ये टोकन, जो ये गेम खेलने के बाद फ्री मिल रहा है, तो ये यहाँ पे आप फ्री में ले सकते हो। गीजा यूएमपी की परमानेंट स्किन ले सकते हो आप यहाँ से इस टोकन से एक्सचेंज करके, देख सकते हो लॉगिन किया मैंने और मेरे को 2 टोकन ऊपर दिख जा रहा है, तो हम ये 2 टोकन क्लेम मार लेंगे गाइस, और ये टोकन देख सकते हो क्लेम मारा मैंने, और ये टोकन आपको फ्री में मिल रहे हैं गाइस, आपको फ्री में ये गमछी और ये यूएमपी की स्किन मिल सकती है गाइस। क्या मतलब हद मचा रखा है यार इंडोनेशियन सर्वर ने, और एक हमारा सर्वर है जो हमारा चूतिया काटे जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, कितना पैसा बनाओगे सालों, हमको भी तो कुछ दे दो। यहाँ देख सकते हो लॉगिन करने पर 17 तारीख को आपको 10 वाउचर्स मिल रहे हैं वेपन रॉयल, 7 वाउचर्स मिल रहे हैं इंक्यूबेटर के, हमारे यहाँ पे कभी 2 वाउचर्स से ज़्यादा दिया है तुमने सालो, और इनके यहाँ पे तुम 10-10 वाउचर बांट रहे हो, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो गाइज मतलब हद ही हो रही। हमारे यहाँ पे 2 वाउचर्स आते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे 10-10 7-7 वाउचर आ रहे हैं गाइज, मतलब देख सकते हो बकचोदी की लिमिट, देख सकते हो गैरिना की कहाँ तक गई हुई है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो लेवल 6 का कार्ड दिया जा रहा था, यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स के साथ खेलोगे 1 मैच तो आपको बंडल दिया जा रहा है गाइज, देख सकते हो बंडल दिया जा रहा है,
तीन मैच खेलोगे तो आपको गन क्रेडिट दिए, छह मैच खेलोगे तो गन क्रेडिट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो सीएस मोड, जो गाइज मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे बारमूडा री मास्टर्ड आया है, इनके यहाँ पे खेलने पे इनको प्राइजेस दिए जा रहे हैं। गाइज देखो इनको 10 मैच खेलने पे यहाँ पे सरबोट की स्किन दी जा रही है, और हमारे यहाँ पे क्या जा रहा है, बाबा जी का ठुल्लू, घंटा, लवड़ा लहसन, कुछ नहीं दिया जा रहा है गाइज। इनके यहाँ पे देख सकते हो इनके यहाँ पे दिया जा रहा है वेब, मतलब यूनिवर्सल फ्रेग्रेंट, और सबसे जरूरी इतना ओपी सा सरबोट। ये सरबोट देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है, हमारे यहाँ पे थोड़ी देंगे। गाइज आ चुके हैं हम अपने फेडेड व्हील के इवेंट में। यहाँ पे इनका एक मिस्ट्री सीकर नाम का फेडेड व्हील चल रहा है, ये बंडल हमारा पहले ही गेम में आ चुका है हमारे सर्वर पे, इनके यहाँ पे अब आया है, पर बंडल गया तेल लेने, बंडल अच्छा नहीं है। पर ये बगल में देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 8 क्यूपिड स्कार की गन क्रेट दी जा रही है गाइज। यहाँ पे एक एक ही गन क्रेट दी जा रही है, 6-6। हमारे यहाँ पे क्या दिया जाता है गाइज, मैजिक क्यू की फ्रेग्रेंट, वो भी एक, और इनके यहाँ पे देख लो क्या दिया जा रहा है गाइज। ठीक है, अब चलते हैं अपने वेपन रॉयल में। यहाँ पे तो हमारा कट ही रहा है, वेपन रॉयल देख सकते हो कितना अच्छा आया हुआ है यहाँ पे M60 की। मैं ये नहीं बोला हमारे यहाँ पे बुढ़िया ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे SKS का स्किन है, SKS कौन इतना यूज करता है, कोई नहीं। M60 का देख सकते हो यहाँ पे डबल डैमेज है M60 का, और एक्यूरेसी प्लस का यहाँ पे आ रखा है M60। उसको M60 को छोड़ो, M60 भी गया तेल लेने। बगल में देखो गाइज क्या है, ड्रैगनोव की एक लेजेंडरी स्किन, लेजेंडरी नहीं है पर ड्रैगनोव की लेजेंडरी टाइप स्किन ही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ड्रैगनोव की स्किन में क्या है, रेट ऑफ फायर प्लस, मैगजीन प्लस है। ये ड्रैगनोव की स्किन हमारे सर्वर में अब तक नहीं आई है, और इतने सारे यहाँ पे वेपन्स दिए जा रहे हैं, देख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कितने सारे वेपन्स हैं। हमारे यहाँ पे क्या रहता है, मैजिक क्यूब की फ्रेग्रेंट, हमारे यहाँ पे क्या रहता है, कैरेक्टर का फ्रेग्रेंट, हमारे यहाँ पे क्या रहता है, टेम्प्ररी सामान, इनके यहाँ पे जो भी है सब परमानेंट है, और देख सकते हो टेम्प्ररी भी है तो 7-7 दिन के लिए, 7-7 दिन के लिए ट्रायल है। और हमारे यहाँ पे कितने दिन का ट्रायल मिलता है, 1 दिन का गाइज, 1 दिन का। तो यहाँ पे कितने अच्छे से काटता है, ग्रेनेड की भी स्किन है गाइज, देख सकते हो ग्रेनेड की भी स्किन है, क्या काट रहा है गाइज, देख लो ये गेम। इधर आ सकते हैं मैजिक रॉयल में, मैजिक रॉयल में आते हैं, हमारे यहाँ पे मैजिक रॉयल नहीं चल रहा है, इनके यहाँ पे पूरा मैजिक क्यूब का एक रॉयल ही बना के रखा हुआ है, जो 1 महीने से चल रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या मिल रहा है, मैजिक क्यूब के इतने सारे फ्रेग्रेंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बॉक्स मिल रहा है, इसके अंदर आपको एक ऐसी इमोट मिल रही है, जो इमोट यहाँ तक हमारे सर्वर पे आज तक नहीं आई है, ये इमोट फैल्को की अब तक हमारे इस सर्वर में देखने को नहीं मिली है। एक इमोट आई थी इसके जैसे, पर वो ये नहीं है, ध्यान से देखो गाइस, ये दूसरी इमोट है, और ये इमोट हमारे पास नहीं आई है। पांडा के यहाँ पे देख सकते हो पांडा का पूरा एक क्रेट दिया जा रहा है मैजिक रॉयल के अंदर गाइस, मैजिक रॉयल के अंदर इतने सारे मैजिक क्यूब के फ्रेग्रेंट, हमारा एक मैजिक क्यूब का फ्रेग्रेंट गिरता है तो येलो बॉक्स गिरता है, और इनका इतना सारा मैजिक क्यूब का फ्रेग्रेंट फ्री, देख सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको स्पिन मारना है बस 50 का, और आप मैजिक क्यूब निकाल लो। इधर आते हैं गाइस इंक्यूबेटर की तरफ, तो इंक्यूबेटर में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंक्यूबेटर में कितना है, आप ये गिनो कितना सारा यहाँ पे ब्लू प्रिंट है, 1, 2, 3 ब्लू प्रिंट है हमारे यहाँ पे। कितना ब्लू प्रिंट होता है, 1 ब्लू प्रिंट, 9 साफ ही देख रहे हो गाइस, 9 साफ ही देख लो ठीक है। और यहाँ पे ये रेड वाली जो है, ये रेड वाली आप निकालो, और देख सकते हो रेड वाली के लिए आपको चाहिए 8-4 ठीक है। यहाँ पे ये एक महंगा किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, महंगा है तो क्या हुआ, 3-3 ब्लू प्रिंट तुमने रखा हुआ है गेम के अंदर, तो निकलना तो आसान है। दूसरा देख लो गाइस यहाँ पे ब्लू ब्लड मून का यहाँ पे इनके यहाँ पे चल रहा है जो इंक्यूबेटर है, और ये भी आपको दिखाऊंगा, देख सकते हो अलग अलग सा एक इंक्यूबेटर चल रहा है, इनके यहाँ पे 2 इंक्यूबेटर एक टाइम पे चलता है, देखो नीचे देख लो गाइस, 2 इंक्यूबेटर इनके यहाँ पे एक टाइम पे चलता है, और हमारे यहाँ पे 1 इंक्यूबेटर एक टाइम पे चलता है गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ ये दूसरी वाली इंक्यूबेटर, देख लो गाइस ठीक है। तो देख सकते हो गाइस इनके यहाँ पे एक दूसरी इंक्यूबेटर भी चल रही है, जो है ब्लड मून रिटर्न। ये ब्लड मून का पहले आ चुका है हमारे यहाँ पर रिटर्न कभी नहीं हुआ है, और इनके यहाँ पे हमेशा रिटर्न पे ही चलते रहता है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ब्लड मून रिटर्न है, हमारे यहाँ पे तो नहीं है पर इनके यहाँ पे आया है। और ये देख लो यहाँ पे लक रॉयल में, जो हमारा ये FF टोकन के बदले एक्सचेंज में वो इनका आया है यहाँ पे लक रॉयल के अंदर, गोल्ड रॉयल के अंदर, और हमारे यहाँ पे जो आया है वो इनका आया है FF टोकन के एक्सचेंज, तो मतलब थोड़ा उल्टा है, पर इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मेरे को इसके लिए गाइस, इनके देखो गोल्ड रॉयल में सारे के सारे जो है कैरेक्टर्स रखे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर रखे गए हैं, जहाँ पे आपको मिल रहा है ये जो है मीसा मिल रही है, एंटोनियो मिल रहा है, क्ला मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें मिल रही है गाइस। और हमारे यहाँ पे क्या रखा जाता है, ये टेम्प्रेरी का कचरा जो इनके यहाँ पे नीचे में रखा गया ना, वो हमारे यहाँ पे भी रखा जाता है टेम्प्रेरी का कचरा, कैरेक्टर नहीं है सिर्फ कचरा है। और एक रहेगा आपका बंडल, और यहाँ पे कैरेक्टर्स भी रखे गए हैं, देख सकते हो 9 साफी, गैरिना की माँ का लिख लो कमेंट में ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में ठीक है, बाकी आप लिख लो अगर आपको गुस्सा आया तो गाइस ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टोर में, आपको स्टोर में दिखाता हूँ क्या क्या इनको यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो हयाटो का पूरा बंडल, आलोक का पूरा बंडल, आलोक बंडल है, आप सिर्फ आलोक बंडल लोगे बिना कैरेक्टर के साथ तो आपको 2750 डायमंड मिल रहे हैं, और आलोक के साथ लोगे डिलक्स बंडल तो आपको मिल जाएंगे 3350 डायमंड्स में। तो यहाँ पे ये तो थोड़ा महंगा है, यहाँ के सारे बंडल्स महंगे हैं, देख सकते हो सारे बंडल्स महंगे, पर क्या करें इतना तो तुम मतलब कमा रहे हो गैरिना यहाँ से, इंडोनेशिया से और कमा लो, लेकिन तुमने इतना अच्छा अच्छा इवेंट भी तो दे रखा है, हमारे यहाँ पे इवेंट देख लो कैसे। बाकी चलते हैं गाइज आपको दूसरी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे।
तो गाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये थीम बॉक्स जो हमारे सर्वर पे बहुत जल्दी आने वाला है गाइस। ये देखो ये M60 की थीम बॉक्स है, विक्टर विक्ट्री विंस। ये हमारे सर्वर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। ये अभी तक लीक आ गया था लेकिन मैंने आपको पहले दिया लीक, तो वीडियो को लाइक मार दो। ये अभी तक दिखाया नहीं गया किसी यूट्यूबर की तरफ से, मैंने आपको दिखा दिया गाइस। बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिल जाएगा गाइस, जिसका नाम है विक्ट्री विंस। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, देख सकते हो विक्ट्री विंस नाम का ये नया आपको थीम बॉक्स देखने को मिल जाएगा गेम के अंदर। ये रहा, देख सकते हो ब्लू रंग का है, इसके ऊपर विंग्स बने हुए। तो एक लाइक ठोक देना वीडियो को, चलते हैं दूसरे अपडेट्स की तरफ और देखते हैं क्या क्या आपको दिया जा रहा है। अब जरा देख लो गाइस गेरिना हमें कैसे लूटता है, देख लो कैसे लूटता है गेरिना हमें। यहाँ पे ये ग्लू वाल की स्किन 150 डायमंड में दी जा रही है, 150 डायमंड्स ओनली। मतलब अगर बंदा खरीदे तो उसको मुश्किल से आपको करना पड़ेगा 150 रुपये का टॉपअप या 80 या 100 रुपये वाला टॉपअप। और हमारे यहाँ पे आया था किस इवेंट में, डिग वाले इवेंट में, जमीन खोद के निकालने वाले इवेंट में, जिसके अंदर हमें लग गए थे 1000 से 1500 डायमंड। यहाँ पे 150 डायमंड में, हमारे यहाँ पे 1500 डायमंड में, ना इंसाफी देख रहे हो गाइस। गेरिना के लिए एक गाली तो बनती है कमेंट बॉक्स में, जिसको मानो दे दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हो पंपकिन ग्रेनेड हमारे यहाँ पे टॉपअप इवेंट में आया, उसके बाद इसका झलक भी नहीं दिखा। यहाँ पे इतने सारे ग्रेनेड की स्किन है, सारे लेजेंडरी ग्रेनेड की स्किन आज तक चल रही है, हमारे यहाँ पे आके चली गई और इनके यहाँ पे चल रही है, देख सकते हो गाइस। ये देखो ये वाली ग्रेनेड हमारे गेम में है, और ये वाली ग्रेनेड हमारे गेम में आज तक देखने को नहीं मिली मुझे, पता नहीं पहले आई होगी या नहीं आई होगी, पर मेरे को देखने को नहीं मिली गाइस। देख सकते हो क्या ओपी ग्रेनेड है, और हमारे गेम में नहीं आई है। और दिखाता हूँ गाइस आपको, और दिखाता हूँ ये वाली ग्रेनेड देख लो, पहले आई हुई थी इंक्यूबेटर में, पर उसके बाद इसका झलक भी नहीं देखने को मिला। ये वाली ग्रेनेड देख लो गाइस, ये वाली ग्रेनेड आज तक मैंने नहीं देखी, पता नहीं कहाँ से आई। और दिखाता हूँ गाइस ये वाली ग्रेनेड देख लो, ये पहले आई थी उसके बाद आई नहीं। मतलब ये सारे ग्रेनेड इनके यहाँ पे 150 डायमंड के अंदर दिए जा रहे हैं, और हमारे टाइम में हमारे सर्वर में ये ग्रेनेड्स हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो देख सकते हो कितना काट रहा गेरिना हमारा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितने तरह का लूट बॉक्स है, लूटी का जो टॉपअप इवेंट में आने के बाद इनके यहाँ पे लूट बॉक्स में आ गया, हमारे यहाँ पे सिर्फ टॉपअप इवेंट में आया था। यहाँ पे देखो क्लू का लूट बॉक्स है, कपिला का लूट बॉक्स है, जोटा का है, स्टीफी का है, मतलब हर कैरेक्टर का लूट बॉक्स है। और यहाँ पे अलग अलग तरह का आपको देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग तरह का आपको देखने को मिला है लूट बॉक्स। यहाँ पे देखो जैक द लैटर्न इसके लूट बॉक्स देखो, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की मास्क देखने को मिले, देख सकते हो गाइस कितना ओपी मास्क है, ये हमारे सर्वर में नहीं आया। यहाँ पे देखो कितने तरह का लूट बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से आप निकाल सकते हो, क्रेट है, क्रेट में से आप निकाल सकते हो, बास्केटबॉल का है, स्विमिंग का है, देख सकते हो गाइस। यहाँ पे हमारा कितना काटा गया, हमारे यहाँ पे ये सब नहीं आया गाइस, और इनके यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस चलते हैं गिफ्ट सेक्शन में, तो देख सकते हो गिफ्ट सेक्शन में इनके यहाँ पे क्या स्पेशल है। ये देखो ये गाइस ये बाल हमारे सर्वर में गिफ्ट सेक्शन में अवेलेबल नहीं है। गिफ्ट सेक्शन तो छोड़ो, स्टोर में भी अवेलेबल नहीं है, इनके यहाँ पे गिफ्ट सेक्शन में तक अवेलेबल है। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये बाल बहुत ओपी लग रहा है, और हमारे यहाँ पे नहीं है, और इनके यहाँ पे है गाइस, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, आप चलते हैं गाइस दूसरी तरफ और दिखाते हैं आपको और कुछ अमेजिंग चीज़ें जो हमारे सर्वर पे आने की उम्मीद है कि नहीं, आपको बताते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं मैजिक रॉयल सेक्शन में, और देखो यहाँ पे कितने सारे बंडल्स दिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ये सब बंडल नहीं आए हैं, हमारे यहाँ पे इतने 30 बंडल दिए जा रहे हैं। और इनके यहाँ पे देखो कैसे कैसे बंडल दिए जा रहे हैं, देख सकते हो गाइस जितने बंडल आप तक आ चुके हैं इनके यहाँ पे सारे बंडल अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे बंडल आके चले गए और दोबारा आए नहीं, नए नए बंडल वो डालते नहीं है, खाली डायमंड रॉयल के बंडल उठा के डाल देते हैं। और इनके यहाँ पे देखो जोकर बंडल से लेके सामुराई बंडल तक यहाँ पे अवेलेबल है, आइस एज बंडल है, क्रेजी पांडा बंडल है देख सकते हो, और यहाँ पे वैम्पायर बंडल है, हंगर बंडल है, यहाँ पे स्ट्रीट बॉय बंडल है गाइस, देख सकते हो स्ट्रीट बॉय बंडल, ओपी बंडल है गाइस, ये बंडल मेरे को भी चाहिए, और ये बंडल गेम के अंदर आता ही नहीं है। और देख सकते हो टेक्नो गेमर है, गोल्डन जीप की स्किन है गाइस, देख सकते हो गोल्डन जीप की स्किन है। और हमारे यहाँ पे क्या है, 30 ओनली 30, ठीक है गाइस। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी चीज़, बहुत दुख हो रहा है ये सब देख के, पर क्या ही करें। यहाँ पर देखो FF टोकन में जो हमारा गोल्ड रॉयल का ड्रेस है वो यहाँ पे FF टोकन में आया है, और यहाँ पे जितने भी गोल्ड रॉयल के ड्रेसेस हैं सारे अभी तक अवेलेबल हैं, हमारे में आके चले जाते हैं, इनके में रह जाते हैं। ये देख रहे हो गाइस हमारे में आके चले जाते हैं, इनके में रह जाते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये यहाँ पे चेंजेस। और रैंक टोकन की बात करें तो इनके यहाँ पे रैंक टोकन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और हमारे पास वो सब हैं। गिल्ड में भी सेम चीज़ है गाइस, गिल्ड में कुछ नया नहीं है इनके यहाँ पे, जो चीज़ हमारे में वो चीज़ इनके में। अब बात करते हैं गाइस आगे कुछ अपडेट्स और की। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये केक, थर्ड एनिवर्सरी का जो केक है जो आप लॉबी में लगा के लूट सकते हो, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा गेम में, कुछ इस तरह का होगा गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का थर्ड एनिवर्सरी का गेम में आप केक लगा सकते हो गाइस, देख लिया आप लोगों ने। यहाँ पे 10 डायमंड में दिए जा रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे आएंगे थोड़ी लेट से आएंगे। आपको दिखाता हूँ टॉपअप की स्पेशल ऑफर्स क्या चल रही है इंडोनेशियन सर्वर पे, देख सकते हो हमारे यहाँ पे बस 2 हैं 90 डायमंड्स के अंदर। इनके यहाँ पे देखो कितने सारे चल रहे हैं, 1 2 3 4 तरह के चल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो टॉपअप करने पे आपको क्या क्या दिया जा रहा है,
है। 100 डायमंड के टॉप अप आपको 10 डायमंड दिया जा रहा है, वाउचर दिया जा रहा है, 400 डायमंड के 50 डायमंड वाउचर और 100 डायमंड वाउचर, 2 वाउचर और 1 इवोल्यूशन स्टोन 1000 डायमंड के टॉप अप में गाइस देख सकते हो। और हमारे यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ये सब पहले दिया जाता था गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस कैप्सूल स्टोर की, तो यहाँ पे इनको देख सकते हो बंडल का टेम्पररी सामान दिया जा रहा है पहनने के लिए, ट्राई करने के लिए। हमारे यहाँ पे टेम्पररी गन की स्किन्स दी जा रही है और इनको सामान दिया जा रहा है पहन के ट्राई करने के लिए। तो गाइस देख सकते हो ना इंसाफी कितना हुआ है। इनके यहाँ पे बैट की स्किन रखी गई है इसके अंदर जो है यहाँ पे कैप्सूल स्टोर के अंदर, और हमारे यहाँ पे बैट की स्किन नहीं रखी गई है गाइस, सिर्फ मास्क रखा गया है। इनके यहाँ पे बैट की स्किन और सर्वबोर्ड दोनों रखा गया है गाइस, तो ना इंसाफी पूरी हो रही है हमारे साथ। तो देख सकते हो गाइस अगर हम स्टोर में आते हैं तो इनके यहाँ पे वोल्केनो लूट क्रेट चल रहा है जो हमारे यहाँ पे आज तक नहीं आया, और इनके यहाँ पे लगभग 2-3 महीने से यहाँ पे है। और वोल्केनो लूट क्रेट क्या ओपी लूट क्रेट देख सकते हो आप लोग, और हमारे यहाँ पे आया नहीं है। और यहाँ पे ये सारे बंडल जो है यहाँ पे चल रहे हैं, कुछ मोको स्टोर में चल रहे हैं, कुछ मतलब डायमंड रॉयल में। और गाइस ये देखो ये नया बंडल काफी जल्दी हमारे सर्वर पे आ सकता है गाइस, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, ये बंडल आप ध्यान से देख लो। ये बंडल ऐसे पहले 2 बंडल और आ चुके हैं, एक है हमारा सेंटा क्लॉज बंडल और एक है हमारा येलो रंग का बंडल, ठीक है। लेकिन ये तीसरा निकल के आ रहा है जो आपको बहुत जल्दी हमारे सर्वर पे देखने को मिल जाएगा गाइस, ध्यान से देख लिया गाइस, ये सर्वर पे आने वाला है हमारे, इस सर्वर पे आ चुका है हमारे सर्वर पे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइज अगर बात करें कुछ और नई चीज़ों की, तो यहाँ पे और कुछ नई चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं, तो बस गाइज ये बंडल आप याद रखना बहुत जल्दी सर्वर पे आ जाएगा। तो गाइज यही थी पूरे इंडोनेशियन सर्वर की टूर, आप लोग ने देखा, मेरे को उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इनमें से काफ़ी सारी सामान हमारे सर्वर पे बहुत जल्द आ जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें कभी नहीं आएंगी गाइज, क्योंकि वो सिर्फ इस सर्वर के लिए अवेलेबल की गई है गाइज। तो आप एक बार कमेंट में सारे लोग जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर कमेंट कर दो गाइस, ताकि मेरे को लगे कि हाँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। और गाइस टूर्नामेंट की डेट मैंने अनाउंस कर दी 25 तारीख को, पूरी टूर्नामेंट की डिटेल वाली वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी चैनल पे, तो चैनल पे सब्सक्राइब करके लाइक कर देना अपडेटेड रहने के लिए। और बाकी सर्वर के साथ भी कंपैरिजन बहुत जल्दी आ जाएगी इंडियन सर्वर की। तो गाइस बने रहो चैनल पे, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।